दोस्तों आज हमारी पॉपुलेशन 8 अरब लोगों से भी ज्यादा की हो चुकी है विद जस्ट होमो सेपियंस इन इट। तो जरा इमेजिन करिए कि आज से करीब 1 मिलियन साल पहले जब ह्यूमंस की इतनी सारी अलग अलग स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी तब एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन कितनी रही होगी। वेल साइंटिफिक अमेरिकन की एक रिपोर्ट के हिसाब से आज से 1 मिलियन साल पहले करीब 18,500 ह्यूमंस एग्जिस्ट किया करते थे। तो देखो लॉजिकली जैसे जैसे समय बीतता गया होगा वैसे वैसे ये पॉपुलेशन भी बढ़ती ही गई होगी। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन सरप्राइजिंगली साइंस जर्नल में रिसेंटली पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से आज से करीब 9 लाख साल पहले करीब 1,280 रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमंस ही बचे थे। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे अर्थ में केवल 1,280 ह्यूमंस ही बचे थे, जिसका मतलब था कि ना सिर्फ 1 लाख साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन ड्रास्टिकली गिर गई, बल्कि इंसानों की पूरी प्रजाति ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने ही वाली थी। Now it is something जो पहले कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि human population को हमेशा से जिस तरह observe किया गया है ना, उस data के हिसाब से ever since our origin हमारी population ना हमेशा बढ़ती ही रही है, जिसने कभी इतने large scale का decline नहीं देखा है। But ये report एक clear statement है कि there is something which is still left to figure out. Now ये population decline क्यों हुआ? Humans ने इसे survive कैसे किया? And most importantly, ये population वापस से बढ़नी कैसे शुरू हुई? और क्या ऐसा कभी भविष्य में फिर से हो सकता है? Well, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। तो दोस्तों बेसिकली ये स्टडी बेस्ड है 31 अगस्त 2023 के दिन साइंस जर्नल में पब्लिश होने वाली इस रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के शॉकिंग रिजल्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो देखो वैज्ञानिकों ने किया क्या कि सैंपल के तौर पर 3,154 प्रेजेंट डे ह्यूमंस के जीनोम को लिया और फिर एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की मदद से उनकी एंसेस्ट्रल डेटिंग करने लगे, ये जानने के लिए कि उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड कितना पहले तक जाता है। अब ये बेसिकली पॉपुलेशन पैटर्न को स्टडी करने के लिए किया गया था, ताकि ये जाना जा सके कि बाय द टाइम कितने ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे। अब वैज्ञानिक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे एक इनक्लाइन ग्राफ एज ए रिजल्ट, बट यहाँ पर उन्होंने एक बॉटल नेक डिस्कवर किया। नाउ देखो बॉटल नेक का जेनेटिक साइंस में एक अलग ही मतलब होता है। जेनेटिक बॉटल नेक एक ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन स्कैर्सली डिक्रीज हो जाती है, वो भी एक ऐसे नंबर तक जहाँ से वो स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने ही वाली होती है। अब इस घटना की वजह से उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी काफी लिमिटेड हो जाती है, जिसके बाद उस ऑर्गेनिज्म की चुनिंदा स्पीसीज ही आगे आने वाले टाइम पीरियड में अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख पाते हैं। अब यहाँ पर एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, और वो ये है कि चीताज अभी तक 2 जेनेटिक बॉटलनेक फेस कर चुके हैं, बट स्टिल वो वर्तमान समय में अभी भी मौजूद है। वांग जी हु जो इस स्टडी के एक मेजर कोलैबोरेटर है, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आज से करीब 8,13,000 साल से 9,30,000 साल पहले के ड्यूरेशन के बीच में ही नियंडरथल्स और होमो सेपियंस जैसे मॉडर्न स्पीसीज का राइज होना शुरू हुआ होगा, जो कहीं ना कहीं इस बॉटलनेक इंसिडेंट की वजह से ही ट्रिगर हो पाया होगा। लेकिन आखिर क्यों? वेल इसका रीजन समझो। देखो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने एक टर्म दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यहाँ भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। बॉटल नेक की सिचुएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए तभी आती है जब वो किसी बड़ी ही हार्श कंडीशन से जूझ रही होती है। अब सपोज करो कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आई होती है, तो उससे निकलने के लिए आपको भी तो उस बुरी सिचुएशन में अपनी नॉलेज के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है कि नहीं? अब एंशियंट ह्यूमंस और मॉडर्न ह्यूमंस में बस इसी अडेप्टिबिलिटी और नॉलेज का डिफरेंस था। जहाँ प्राचीन ह्यूमंस बस जिया करते थे एक जंगली जानवर की तरह, तो वहीं पर मॉडर्न ह्यूमंस चैलेंजेस को देखते हुए उनका सोल्यूशन ढूंढा करते थे और उन चेंजेस को अपनी नॉलेज से अडेप्ट किया करते थे। अब दोस्तों रिसर्चर्स द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से इस इंसिडेंट में करीब 98.7% ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी, जिसके बाद इंटेलिजेंट ह्यूमंस का राइज शुरू हुआ। पैलियंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में काम करते हैं, उन्होंने भी इस स्टडी को एनालाइज करने के बाद यही कंक्लूजन दिया कि इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप सिर्फ तभी हो सकता है जब ये बॉटल नेक काफी लंबे समय तक चलता रहे। सो नाउ द क्वेश्चंस कम्स हियर कि अचानक होने वाली वो बुरी घटना थी कौन सी? तो देखो दोस्तों
यहाँ पर जो सबसे पहला कारण निकल कर आता है ना, वो है क्लाइमेट चेंज। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ भी वही केस था भी। तो देखो, टाइमलाइन को स्टडी करने पर ये नोटिस किया गया कि ये बॉटलनेक जिस ड्यूरेशन में देखा जा रहा था, असल में वो ड्यूरेशन अर्ली मिडिल प्लाइस्टोसीन ट्रांजिशन की थी। एक ऐसा टाइम पीरियड जब ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस को देखा गया था। ग्लेशियल साइकिल्स लंबी और पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, जिससे ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बीच का इंटरवल बढ़ चुका था। बट इतना ही काफी नहीं था, बल्कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर कोना मॉडरेट की बजाय एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन फेस कर रहा था। अब देखो, इंटरग्लेशियल पीरियड में होने वाले जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं ना, उसे आप ये ग्राफ देखकर और अच्छे से समझ जाएंगे, जिसमें पिछले 5 मिलियन सालों का ग्लेशियल और टेम्परेचर डेटा है। अब अगर आप 1 मिलियन साल के बाद वाली लाइंस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ना सिर्फ उसमें फ्लक्चुएशंस पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई थी, बल्कि जहां एक टाइम पीरियड में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जा रहा था, तो वहीं पर अगले टाइम पीरियड में टेम्परेचर बहुत सडनली राइज होता हुआ दिख रहा था, जिससे क्रिएट होने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन में हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। एक और चीज ये भी देखिए कि जहां पहले के ग्राफ में इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बीच के गैप्स उतने क्लियरली नहीं नोटिस हो रहे थे, तो वहीं पर 1 मिलियन सालों से 8 लाख सालों के बीच वाले पीरियड में गैप्स और ज्यादा बड़े दिखाई पड़ रहे थे, प्रूविंग द फैक्ट कि इस ड्यूरेशन में ग्लेशियल पीरियड के इंटरवल में लॉन्गर गैप्स देखे गए थे। नाउ फॉर एग्जांपल, इस कंडीशन की वजह से अफ्रीकन रीजन्स में काफी लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा, जिससे इंसान तो क्या, सभी जानवरों को सर्वाइवल के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि पानी की कमी पड़ गई थी। अब सर्वाइवल का पहला सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पेपर के को ऑथर और शैनडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड शैनडोंग एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस में पॉपुलेशन जेनेटिस्ट के तौर पर काम करने वाले जी क्यान हाओ तो ये तक कहते हैं, इसी दौर में ह्यूमंस की 2/3 जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, जो अपने आप में बताता है कि ये कितना लंबा और खतरनाक पीरियड था फॉर सर्वाइवल। अब देखो, जनरली ऐसे किसी भी एग्जैजरेटिंग स्टडी पर सवाल उठाए जाने लगते हैं और उन्हें किसी हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट किया जाता है, पर इस वाले स्टडी पर कोई भी किसी तरह का विरोध जता ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंगल रिसर्च पेपर जेनेटिक स्टडी एंड इवोल्यूशन के दो बड़े क्वेश्चंस का आंसर देता है। अब सवाल है कि वो दो क्वेश्चंस थे कौन से, तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप प्लाइस्टोसीन पीरियड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल में एक चीज जरूर लिखी रहती है कि अर्ली प्लाइस्टोसीन पीरियड जो आज से 8 लाख साल पहले खत्म हुआ था, उसके एंड में आर्काइक होमो स्पीसीज यानी कि ह्यूमंस ओरिजिनेट हुए थे। नाउ एज ए डिटेल, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पर इन ह्यूमंस का ओरिजिन स्पेसिफिकली इसी पीरियड में क्यों हुआ, ये स्टडी हमारा ये डाउट क्लैरिफाई कर देती है। अब देखो, दूसरा वाला एक डाउट कम बल्कि मिस्ट्री ज्यादा थी। दरअसल आज से करीब 1 मिलियन से 8 लाख साल के बीच के टाइम पीरियड में एक सिग्निफिकेंट फॉसिल गैप नोटिस किया जाता रहा है। फॉसिल गैप उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड के फॉसिल्स या रिमेंस बड़ी मुश्किल से खोजे जाते हैं। अब बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा ये सोचते थे कि जब पुराने से पुराने इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड रिमेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वेस में मिलते रहते हैं, तो इस दौर के फॉसिल्स स्पेशली ह्यूमन फॉसिल्स कभी क्यों नहीं पाए जाते हैं। नाउ दे फिगर्ड आउट फाइनली कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस दौर में हजारों की तादाद में इतने इंसान थे ही नहीं कि उनके ढेर सारे फॉसिल्स क्रिएट हो पाए, और ये वो रीजन था कि क्यों इनका मिल पाना इतना मुश्किल था। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई पास्ट की, पर क्या प्रेजेंट में ऐसी किसी घटना का होना संभव है? तो इसका जवाब है यस, विथ कैपिटल Y। देखो, आज भी हम चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हमारी रूट्स अभी भी नेचर से ही जुड़ी हुई है, और आज भी हमें हर चीज के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। टेक एडवांसमेंट इस फैक्ट को नहीं बदल सकती कि आज भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेचर ही है। और देखो, अगर इस नेचर को कुछ भी हुआ ना, या फिर दोबारा से उस एक्सट्रीम लेवल के क्लाइमेटिक चेंजेस देखे गए जैसे कि आज से करोड़ों साल पहले प्लाइस्टोसीन पीरियड में देखे गए थे, तो नो डाउट हम आज भी उतने ही बॉटलनेक एक्सटिंक्शन डेंजर में रहेंगे जितने आज से लाखों साल पहले थे, प्रूविंग कि हम चाहे कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाए, मदर नेचर विल ऑलवेज राइन सुप्रीम। हालांकि दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल, और वो ये कि साल 2022 का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कितना था, क्या वो ज्यादा था या फिर कम था? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर लिखना, और हाँ, गूगल
गूगल से कॉपी पेस्ट करके मत लिख देना। तो देखते हैं किस किस को सवाल का जवाब पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए एपिसोड्स बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।